दोस्तों आईपीएल 2020 का डेट्स कॉन्फर्म हो चुका है और 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द सभी टीमों के प्लेयर्स प्रैक्टिस के लिए यूएई पहुंचने वाले हैं और इस साल एक भी विदेशी खिलाड़ी भारत नहीं आने वाला है, बल्कि क्योंकि सभी मैचेस यूएई में खेला जाएगा तो सीधा यूएई पहुंचने वाला है। अब दोस्तों सुनने को मिल रहा था पूरी दुनिया में कोविड-19 के संकट के कारण शायद विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल 2020 खेलने का परमिशन उनके बोर्ड द्वारा नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको बता दूं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 5 आईपीएल टीमों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज दे चुके हैं, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। अगर आप सही जवाब सबसे पहले देते हैं तो अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े हुए वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईपीएल में सभी विदेशी प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने से पहले उनके बोर्ड से परमिशन लेना पड़ता है और अगर बोर्ड एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं तो ही प्लेयर्स आके आईपीएल खेल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों कोरोना वायरस के चलते प्लेयर्स के फिटनेस को ध्यान रखते हुए कोई भी क्रिकेट बोर्ड अगर चाहे तो उनके प्लेयर्स को आईपीएल खेलने नहीं भेज सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस साल का आईपीएल यूएई में होने वाला है और कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चाहे तो अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने के लिए परमिशन नहीं दे सकते हैं, तो तब टीमों को उन प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट खिलाड़ी ढूंढना पड़ता है और यह सभी टीमों के लिए काफी बड़ी समस्याओं के कारण बन जाता है। पर दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल के 5 टीमों के लिए खुशखबरी दे चुके हैं और 6 न्यूजीलैंड प्लेयर्स जो इस साल 5 आईपीएल टीमों का हिस्सा है उनको न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से एनओसी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, उन 6 न्यूजीलैंड प्लेयर्स के बारे में बात करें तो जिमी निशान पंजाब टीम से, लॉकी फर्गुसन कोलकाता के टीम से, केन विलियमसन एसआरएच टीम से, ट्रेंट बोल्ट मिचेल मैकलेनगन मुंबई के टीम से और मिचेल सैंडला चेन्नई टीम के तरफ से इस साल का आईपीएल खेलने वाले हैं। तो दोस्तों इन 6 प्लेयर्स को न्यूजीलैंड बोर्ड से एनओसी मिल चुका है और न्यूजीलैंड बोर्ड ने बता चुके हैं उनको कोई भी समस्या नहीं है और आईपीएल के टाइम कोई भी न्यूजीलैंड का सीरीज नहीं रखने वाला है। पर दोस्तों आपको बता दूं न्यूजीलैंड बोर्ड ने तो एनओसी दे दी है, लेकिन इनमें से कोई भी प्लेयर्स अगर चाहे तो पर्सनल कारण के चलते आईपीएल नहीं खेल सकते हैं, तो दोस्तों सभी प्लेयर्स को 20 अगस्त के बाद यूएई में जाने का परमिशन मिल जाएगा और न्यूजीलैंड बोर्ड की तरह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बोर्ड ने भी बता चुके हैं कि शेड्यूल घोषित होने के बाद ही वो भी प्लेयर्स को एनओसी दे देंगे और उन्हें भी कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। और दोस्तों बात करें वेस्ट इंडीज प्लेयर्स के बारे में तो 18 अगस्त से 10 सितंबर तक सीपीएल 2020 चलने वाला है और जितने भी कैरिबियन प्लेयर्स आईपीएल में हिस्सा लेते हैं लगभग सभी प्लेयर्स सीपीएल खेलते हैं, तो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स के लिए सीपीएल खत्म ना होने तक यूएई पहुंचना पॉसिबल नहीं है। पर क्योंकि क्रिस गेल इस साल सीपीएल में हिस्सा नहीं लिया तो चाहे तो अगस्त में ही यूएई जाके पंजाब टीम के साथ प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो बस वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दूं पिछले वाले वीडियो में पूछा गया सवाल का जवाब है लक्ष्मीपति बालाजी और इसका सही जवाब सबसे पहले दिया है डीके ने, उसके बाद संध्या रानी स्वाइन और तनवीर आलम ने। तो आज का सवाल है एमएस धोनी ने अभी तक कितने बार आईपीएल का फाइनल खेल चुके हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप आईपीएल के कॉन्फर्म डेट्स जानने के बाद कितना खुश हुए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।